हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? कुछ दिनों के बाद हम फिर आ चुके हैं अपनी वीडियो लेके। ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है? डेफिनेटली होने वाली है T20 वर्ल्ड कप के ऊपर। T20 वर्ल्ड कप आज से स्टार्ट हो रहा है। क्वालिफिकेशन राउंड एंड वार्म अप मैचेस एंड हो चुके हैं। अभी टाइम है सुपर 12 का, एंड सुपर 12 के लिए हम सब एक्साइटेड हैं क्योंकि बड़ी बड़ी टीमें एक दूसरे के साथ खेलेंगी, एंड जो टीमें क्वालिफिकेशन राउंड के बाद आई हैं उनको भी मौका मिलेगा बड़ी टीमों के साथ खेलने का एंड T20 वर्ल्ड कप में मतलब और पॉपुलैरिटी गेन करने का। तो लेट्स स्टार्ट। आज दो मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। आई एम डिड रॉन्ग एंड दो मैच हैं आज, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो 3:30 बजे शुरू होगा एंड इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज जो 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों बड़े मैचेस हैं कि ये ग्रुप ऑफ डेथ है। जैसे आपको पता ही है, जब ग्रुप ऑफ डेथ फुटबॉल में हुआ था यूरो कप में, जब जर्मनी, फ्रांस एंड पोर्टुगल एंड हंगरी चारों एक ही ग्रुप में आ चुके थे, तो ग्रुप ऑफ डेथ बन चुका था वो। और ये भी ग्रुप ऑफ डेथ ही है कि इंग्लैंड वर्ल्ड चैम्पियन, ऑस्ट्रेलिया 5-time वर्ल्ड चैम्पियन, वेस्ट इंडीज़ 2-time T20 वर्ल्ड कप चैम्पियंस एंड T20 स्पेशलिस्ट टीम, साउथ अफ्रीका द टीम दैट यू कैन डिनाइड, दे कैन डू एनीथिंग। एंड आप ऐसे नहीं कह सकते साउथ अफ्रीका कमज़ोर टीम है, क्योंकि डिविलियर्स, डू प्लेसी और काफ़ी सारे लेजेंड्स अभी हिस्सा नहीं है उस टीम का। बट आप एक चीज़ डिनाई नहीं कर सकते, जो मैं 100% कहता हूँ, एक चीज़ आप कभी भी डिनाई नहीं कर पाएंगे कि उस टीम ने क्या किया है। जब भी उन्होंने क्रिकेट खेली उन्होंने सबसे बढ़िया ही खेला है। एंड साउथ अफ्रीका के साथ काफ़ी होप्स हैं क्योंकि उन्होंने वार्म अप मैचेस में अपनी फॉर्म को वापस रिबिल्ट किया एंड उनके T20 मैचेस भी इतने बुरे नहीं गए। अगर आप उनका रिकॉर्ड चेक करोगे वो काफ़ी अच्छा खेलते हैं और एक काफ़ी सही टीम है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बेस्ट है, मतलब ऐसी टीम है, बट एक ठीक ठाक टीम है, एक बैलेंस साइड है। एंड भूमिया उनके कैप्टन हैं। अगर मैं नाम प्रोनाउंस गलत किया तो आई एम रियली सॉरी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं उसके बारे में। बट साउथ अफ्रीका कमज़ोर टीम नहीं है, उन्होंने वार्म अप मैचेस में पाकिस्तान को हराया, जो एक ऐसी टीम लग रही थी कि उनके होम ग्राउंड में लगभग मैच हो रहा है। उन्होंने आई थिंक बहुत ज़्यादा मैचेस यहाँ पर खेले हैं एंड वो हारे भी नहीं हैं कभी। तो सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो टीम ऐसी टीम है, सेमीफाइनल में तो पक्की हुआ है वो टीम एंड एक प्रबल दावेदार भी है इंडिया के साथ साथ फेवरेट थी, उनको इन्होंने हराया एंड पहला मैच भी ये जीते थे। और तो एक कमज़ोर टीम मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल भी है, बट क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये बढ़िया टीम है? ऑस्ट्रेलिया, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी बढ़िया टीम है। उनके ओपनर्स बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, बट स्टीव स्मिथ फॉर्म में है, मैक्सवेल फॉर्म में है, स्टोनिस फॉर्म में है, मार्श फॉर्म में है। मार्श पहली बॉल में ज़रूर आउट हो गए थे पहले मैच में, बट एक फॉर्म प्लेयर है। अगर इतनी एक्सपीरियंस टीम है आपके पास, इतने अच्छे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं आपके पास जो स्पेशलिस्ट हैं, हाँ प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है बट बैटिंग तगड़ी है, बॉलिंग में ताकत है, स्टार्क है उनके पास, उनके पास हेजलवुड है, उनके पास पैट कमिंस है, मतलब बेस्ट फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन। हाँ आप कह सकते हैं कि T20 में उनका प्रदर्शन वैसा नहीं है जैसे टेस्ट क्रिकेट में है, बट बॉलर्स बुरे नहीं है, स्टार्क यॉर्कर स्पेशलिस्ट हैं आपके पास, और आपको क्या चाहिए? आप सोच के देखिए, टीम बहुत स्ट्रांग है ऑस्ट्रेलिया की। साउथ अफ्रीका के मुकाबले मुझे ये लगता है कि साउथ अफ्रीका को आराम से ले बैठेंगे, ये जो मेरी थिंकिंग है ये मुझे लगता है। ऑस्ट्रेलिया के पास टीम तकड़ी है और आज का मैच वो साउथ अफ्रीका को हरा सकते हैं। साउथ अफ्रीका कमज़ोर टीम नहीं है, वेंडर डूसे कमाल का खेल रहा है एंड उनकी बॉलिंग कमाल की, और मेरी लाइट बंद हो गई, आई एम रियली सॉरी। एंड मतलब टीम काफ़ी अच्छी है, अगर आप टीम को नहीं कह सकते कि यार टीम बिल्कुल ही घटिया टीम है, टीम बहुत बढ़िया टीम है ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका को हरा सकते हैं। और आज के मैच में ओपनर्स फॉर्म में नहीं है और ओपनर्स आउट भी हो गए, स्मिथ संभालने के लिए हैं पारी एंड कुमार का प्लेयर है स्मिथ, आपको पता ही है, पारी को संभाल के रखा, मैक्सवेल एक्सेलरेट करने के लिए, स्टोनिस फिनिश देने के लिए, मार्च को भी आप लाते हैं तो वो भी कमाल करेंगे। तो ये टीम तगड़ी है, ये टीम किसी को भी गिरा सकती है। कौन सी मतलब कौन से प्लेयर्स उनको खिलाने चाहिए? तो लगभग ऑस्ट्रेलिया, मैं बोलूँगा ऑस्ट्रेलिया को तो अपना डेविड वार्नर, फिंच एंड थर्ड स्मिथ, एट फोर्थ यू गो विद स्टोनिस और मैक्सवेल, एट फिफ्थ एट सिक्स्थ मिशेल मार्श, आई फील लाइक यू कैन गो विद मिशेल मार्श और यू गो गो विद समवन एस, बट मार्श इज़ इन फॉर्म, यू लाइक आपको पता है कि मार्श फॉर्म में है तो मार्श के साथ जाओ। एंड साथ में पे क्या आप जाना चाहोगे? अपने विकेट कीपर के साथ, क्योंकि विकेट कीपर तो चाहिए, तो मार्श और वेड में से कोई एक जाएगा, ये जितना मुझे लगता है। एट एट्थ नंबर मैं कहूँगा स्टार्क आ गया आपके, एट्थ पे एगर आ गया, नाइन्थ पे जाम्पा आ गया,
10 पे आपके पास आ गया हेजलवुड एंड स्टार्क। पैट कमिंस भी खेलेंगे, मतलब मान के चलो कि वेड खेलेंगे और मार्श बैठेंगे, जितना मुझे लगता है, जितना मेरा दिमाग बोल रहा है, क्योंकि एक विकेट कीपर तो चाहिए आपको, तो मार्श के चांसेस कम है। अगर डेविड वार्नर परफॉर्म अच्छा नहीं करते तो मार्श उनको रिप्लेस ज़रूर कर सकते हैं, ये मुझे लगता है। एंड ये टीम काफ़ी बढ़िया है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका के पास काफ़ी ज़्यादा इशूज़ हैं। अगर डुप्लेसी को खिला लेते तो ओपनिंग एकदम तकड़ी हो जाए, डीकॉक और डुप्लेसी। बट अब भूमिया मुझे लगता है ओपनिंग करेंगे, जो ठीक ठाक प्लेयर हैं। एंड बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं इस टीम की, इसकी बॉलिंग तगड़ी है, क्योंकि इनके पास नोकिया हैं, रबाडा हैं, मॉरिस भी नहीं खेले, बट मॉरिस भी अच्छी फॉर्म में नहीं थे तो कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं, बट एक्सपीरियंस थे, उनको ले सकते थे। कुछ ऐसी मतलब ज़्यादा अच्छी सिलेक्शन नहीं हुई, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा नाखुश हूँ, थोड़ा सा नाखुश हूँ, क्योंकि एज़ मैं चाहता था कि खेले मॉरिस भी। बट क्या लगता है मुझे कौन सी टीम जीतेगी? साउथ अफ्रीका के पास काफ़ी लूप होल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम लगती है अगर वो गिर भी जाएगी उसे संभलना आता है, उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं। 2019 वर्ल्ड कप में भी क्या हुआ था, जब वेस्ट इंडीज़ ने बिल्कुल गिरा दिया था, वहाँ से इन्होंने मैच जीता था। तो इस टीम को आप कम नहीं आंक सकते, ये ऑस्ट्रेलिया है, पूरे एक्सपीरियंस के साथ खेलती है। वैसे तो इनके प्लेयर्स खेलते नहीं हैं सीरीज़ वगैरह, बट जब भी खेलती है पूरे एक्सपीरियंस के साथ खेलती है, एंड ICC टूर्नामेंट्स में इनका दबदबा है T20 वर्ल्ड कप को छोड़ के। लेट्स गो टू द सेकंड मैच, इंग्लैंड वर्सेस किन का मैच है? वेस्ट इंडीज़, द मल्टी जायंट्स। तो ऐसा लगता कि लास्ट वाला जो वर्ल्ड कप का फाइनल था ना, वो रिवाइंड हुआ यहाँ पर, बट उसकी पॉसिबिलिटीज़ कम है। लास्ट वाली वेस्ट इंडीज़ कमाल की थी टीम, वो फॉर्म में थे सारे प्लेयर्स, सेमी थे कैप्टन, इस पर प्लाट है, प्लाट बिल्कुल भी बुरे कैप्टन नहीं, बहुत अच्छे कैप्टन है, बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं, पिछला वर्ल्ड कप खेलने इस वर्ल्ड कप में कैप्टन है, रसल हैं आपके पास, बस सारे तकड़े स्ट्राइकर्स हैं। बट क्या, क्योंकि ये टीम वामस में अच्छा नहीं किया इन्होंने टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ, बट उस चीज़ को छोड़ो, आप वामस वामस होते हैं, एंड वर्ल्ड कप का मैच वर्ल्ड कप का मैच होता है, तो कुछ भी बदल सकता है इस मैच में। बट मुझे किस चीज़ का डर है कि क्या चीज़ होगी, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर फॉर्म में नहीं लग रहे, उनको मुश्किल डिसीजन इस मैच में लेने होंगे। क्रिस गेल को उनको खिलाएंगे या ना खिलाएंगे ये उन पर है। क्रिस गेल यूनिवर्सल बॉस है, बट थर्ड नंबर मुझे नहीं लगता उनके लिए बढ़िया है। अगर ओपन करें तो उन्हें ज़्यादा बाउंड्रीज मारने का चांस मिलेगा, यहाँ पर आपको कुछ और तरफ देखना होगा। आपकी टीम की फास्ट बॉलिंग अच्छी नहीं है, हाँ राम पॉल आए हैं, एक्सपीरियंस आया है टीम में, उशेन थॉम्स हैं, बट टीम में वैसा लगता नहीं फास्ट बॉलिंग है। स्पिन में वाच हैं आपके पास, वैसे फास्ट बॉलिंग के पास ब्रावो भी हैं, बट ब्रावो भी वैसी फॉर्म में नहीं है, अपनी लाइफ की बेस्ट फॉर्म में वो 2016 उस टाइम पे थे, अब वैसी फॉर्म नहीं है उनकी, अपने CSK के लिए देखा, अच्छी की बट वैसी फॉर्म नहीं है। तो फास्ट बॉलिंग्स में इशू है आपकी, एंड बैटिंग ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा गोला बारूद भर भर के है, बट स्पिन में भी इतने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे, अब अच्छा कर सकते हैं, होप ये टीम अच्छा करे। नारायण के साथ गए नहीं शायद, कुछ ज़्यादा उनके साथ पता नहीं क्या बात है, पर उन चीज़ों को छोड़े हम चलते हैं अभी इंग्लैंड के। इंग्लैंड मेरे ख्याल से ये मैच जीत जाएगी, क्यों जीत जाएगी अब मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, ज़्यादा कुछ घुमा के नहीं, एक सिंपल चीज़ आपको मैं बताता हूँ क्यों ज़्यादा इंग्लैंड फेवरेट रह जाती है। इंग्लैंड की बॉलिंग बिल्कुल ही बेकार है, मानो चाहे ना मानो, पर उनके पास स्ट्राइकर्स हैं, स्ट्राइकर वेस्ट इंडीज़ के पास भी हैं, बट एक बॉलर उनके पास अच्छा है, वुड, मानो चाहे ना मानो वो अच्छा बॉलर है। जॉर्डन इतना बढ़िया बॉलर नहीं है, पर ठीक ठाक बॉलर है, बॉलिंग उनकी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि बेस्ट बॉलिंग है, मतलब मैं बिल्कुल ही नहीं बोलूँगा। स्पिन तो उनकी बेकार है, मोइन माड़ा मोटा अच्छा करा लेंगे, बट स्ट्राइकर्स बहुत हैं टीम में, एक्सपीरियंस है, बेस्ट ऑफ अपनी लाइफ की बेस्ट फॉर्म में है, बट अगर स्पिन आई क्या हुआ वो ऐसा खेल पाएंगे, ये 3-4 क्वेश्चन हैं। बट फिर भी मैं सोचता हूँ इंग्लैंड एक बेटर साइड लग रही है, 2019 वर्ल्ड कप के चैंपियंस हैं, एंड उनका नंबर वन टीम भी है यार T20 में शायद, बाकी अगर मैं रॉन्ग हूँ तो शायद न्यूजीलैंड या इनमें से एक है शायद, जितना मुझे लगता है, बट ये टीम कुछ भी कर सकती है, सीरियसली ये टीम कुछ भी कर सकती है। एंड इस टीम के साथ मेरे होप्स तो अप हैं, वेस्ट इंडीज़ मैं चाहूँगा जीती, कि वन ऑफ दी माई फेवरेट टीम्स है वर्ल्ड कप की, बट इस मैच में जो मुझे लगता है कि अगर शारजा में होता ना ये मैच, फिर मैं कह देता कि हाँ भाई इंग्लैंड नहीं जाएगी, ये रह जाएगी, वेस्ट इंडीज़ के पास चांस है। इंग्लैंड वैसी ऐसी कॉम्पैक्ट टीम नहीं, क्योंकि इनके पास इतने एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं, स्टोक्स नहीं है इनके पास, इनके पास आर्चर नहीं, अगर ये दो प्लेयर होते तो मैं 100% कहता कि ये टीम एक भी मैच नहीं हारेगी, इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि आर्चर बेस्ट बॉलर इसमें आते हैं वर्ल्ड के, और उसके बाद एक और बात करूँ स्टोक्स बेस्ट ऑलराउंडर हैं वर्ल्ड के। तो आज की मेरी, फिर भी मैं चाहूँगा इंग्लैंड जीते,
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मेरी आज की पिक्स रहेंगी, आपकी क्या रहेंगी कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बी होप रहिएगा इस वीडियो बन चुके नॉमिनेट की, इससे ज़्यादा शायद आपको भी ना पसंद आए, बी होप रहिएगा इस, बाय गाइस इन दिस एंड ऑफ दिस वीडियो।